नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का एक खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ जो बनाने में जितना आसान है, देखिए कितना खूबसूरत है। और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि डिज़ाइन बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए। चार 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 फंदे गिने तो एक भी फंदा बचना नहीं चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट में, लेडीज प्रोजेक्ट में, जेंट्स प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगी ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 20 फंदे डाले हैं। पहली लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये डिज़ाइन दोनों तरफ से उल्टा बुन के तैयार होगा। दोनों तरफ से हमें सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। डिज़ाइन रॉन्ग साइड से ही डलेगा, यही हमारे डिज़ाइन का मेन लाइन है। तो ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड, तो यह हमारा मेन लाइन है। ध्यान दीजिएगा, तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे। तीन फंदों को एक साथ लिया और उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर लिया। अब नेक्स्ट फंदे में हम तीन फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने दो फंदा घटाया है तो यहाँ पे हम दो फंदा बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे, अब ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इसी में एक बार और उल्टा। तो हमने चार से चार फंदे बना लिए। नेक्स्ट फंदा देखिए, फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। अब नेक्स्ट फंदे में हमें तीन फंदा बनाना है। एक बार उल्टा बुन लिया, उनको सिलाई पे घुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इसी में एक और उल्टा फंदा। तो हमने एक से तीन किया। अब नेक्स्ट तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और तीन का एक करेंगे, यानी हमारा जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए। फिर एक से तीन करेंगे, एक दो तीन, तीन से एक, एक दो तीन फंदे लिए और उल्टा बुनते हुए तीन का एक। फिर एक फंदा लेंगे और एक दो तीन, तीन एक दो तीन लिया और तीन का एक कर लिया। लास्ट में एक फंदा बचा है तो इसका हम तीन फंदे बनाएंगे फंदों को बैलेंस करने के लिए। तो हमने एक से तीन कर लिए। अब देखिए, अब सामने की तरफ आ गए हैं, तो सामने की तरफ हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से हमें सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनना है। सामने की तरफ से हमें सिर्फ सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। डिज़ाइन रॉन्ग साइड से ही पड़ेगा। तो सामने की तरफ से सभी फंदे उल्टे, ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है। तो ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी लाइन में हमने यहाँ पे तीन का एक किया था, तो अब क्या करेंगे, यहाँ इस फंदे में हमें एक से तीन किया है करना है। उल्टा बुना, उनको सिलाई पे चढ़ा के वापस अपनी तरफ लाएं और एक बार और उल्टा। एक से तीन किया, अब देखिए यहाँ पे हमने एक से तीन किया था तो अब की इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और तीन से एक करेंगे। पहले फंदे में एक से तीन, तो नेक्स्ट तीन से एक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने तीन फंदों को एक साथ लेके देखिए घटाया है, तो यानी यहाँ पे हमें एक का तीन करना है। एक का तीन किया, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक का तीन किया है तो यहाँ पे तीन का एक करना है। देखिए यहाँ पे तीन से एक किया है तो यहाँ पे एक से तीन करना है। फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए हमने
एक से तीन किया है, तो यहाँ पे हमें तीन से एक करना है, एक दो तीन, तीन फंदों को लेंगे और तीन से एक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंदा घटा है, यानी यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम एक से तीन करेंगे। यहाँ पे फंदा बढ़ा है, एक फंदे से तीन फंदे आ रहा है, यानी यहाँ पे हमको तीन से एक करना है, तीन से एक किया। यहाँ पे घटा है, बढ़ाना है, यहाँ पे बड़ा है तो घटाना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।